एक्शन पापा। पापा 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 सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जिस तरह से संजू की फिल्म एनिमल सिनेमा घरों में तहलका मचा रहा है, उसके आगे बबली की सैम बहादुर कितना टिक पाई है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एनिमल की। यार डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगा सर ने क्या फिल्म बनाई यार। मतलब अगर आप एक बार फिल्म देख लो तो अगले एक सप्ताह तक आपका दिमाग में ये फिल्म चलते रहता है भाई। ऐसा फिल्म कभी कभी ही बनता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो दोस्तों मुझे बाहुबली के टाइम में ऐसा एहसास हुआ था। ठीक उसी तरह एनिमल देखने के बाद दिमाग से रणवीर कपूर का कैरेक्टर निकलने में एक सप्ताह लग जाएगा। वहीं दोस्तों खुशी की बात यह है कि इस फिल्म के एंडिंग में हमें ये पता चल जाता है कि एनिमल की कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका अभी और पार्ट आएगा। और दोस्तों मैं 99.9% ये कह सकता हूँ कि एनिमल पार्ट 2 में रणवीर कपूर का डबल रोल देखने को मिलेगा, मतलब हीरो भी वही और विलेन भी वही। तो दोस्तों तैयार रहना, इस बार मजा डबल होने वाला है। वहीं बात करें अगर फिल्म सैम बहादुर के साथ कंपैरिजन की, तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो दोनों फिल्मों में दूर दूर तक कंपैरिजन नहीं है। एक तरफ रणवीर कपूर की एनिमल को लेकर फैंस के बीच में जबरदस्त क्रेज है, वहीं दूसरी ओर विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बायोपिक है। विक्की की एक्टिंग को दाद देना पड़ेगा, मतलब यार क्या एक्टिंग किया है भाई ने। लेकिन दोस्तों फिल्म सुपर हिट होने के लिए सिर्फ तारीफ ही काफी नहीं है, इसके लिए आपको सिनेमा हॉल जाना पड़ेगा। लेकिन ये मामले में ये फिल्म फीका नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, तो दोस्तों इस फिल्म में पहले दिन ने मात्र 6 करोड़ की बिजनेस की है। वहीं दोस्तों एनिमल ने पहले ही दिन 100 करोड़ की आंकड़ा पार कर लिया है। तो दोस्तों आप लोग अगर दोनों फिल्मों को अभी तक देख चुके हो तो आपको पर्सनली कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई और वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे।